स्वागत है दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में। तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ में जाली नोट का पर्दाफाश, 2000, 500 और 100 के बड़ी तादाद में पकड़े गए नोट, राजधानी में खपाने की थी तैयारी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जाली नोट का पर्दाफाश हुआ है। इस काले कारोबार में शामिल दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 2000, 500 और 100 के नोट बरामद किए गए हैं। गंज थाने स्थित चूनाभट्टी के पास जाली नोट जैसा दिखने वाला नोट खपाने के लिए ग्राहकों की तलाश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने दोनों को धर दबोचा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि आरोपियों के कब्जे से 2000 के 93 नग, 500 के 93 नग एवं 100 के 184 नग जाली नोट जैसा दिखने वाला नोट जब्त किया गया है। दोनों आरोपी मूलतः जिला शक्ति के निवासी हैं। आरोपी शिव मनहरे पूर्व में भी थाना जयजयपुर से जाली नोट के प्रकरण में जेल निरुद्ध रह चुका है। आरोपियों के विरुद्ध थाना गंज में अपराध क्रमांक 05/2023 धारा 420/34/489 भादवी का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। पूछताछ में व्यक्तियों ने अपना नाम शिव प्रसाद मनहरे एवं पराग रात्रे निवासी शक्ति का होना बताया। आरोपी शिव प्रसाद मनहरे पूर्व में भी थाना जयजयपुर से जाली नोट के प्रकरण में जेल निरुद्ध रह चुका है। गिरफ्तार आरोपियों में शिव प्रसाद मनहरे पिता परसराम मनहरे उम्र 29 साल निवासी रामकरोवाडी थाना जयजयपुर जिला शक्ति हाल चूनाभट्टी बालाजी किराना स्टोर्स के पास थाना गंज रायपुर। वहीं दूसरा आरोपी पराग रात्रे पिता हरीश कुमार रात्रे उम्र 24 साल निवासी मालखरौदा जिला शक्ति का रहने वाला है।